यहाँ पे वो डॉग्स हैं जिन्होंने लाइफ बचाई हैं, ये देखिए। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था, मैं पहुँच चुका नूरदा की, और इस व्लॉग में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यहाँ के क्या हालात हैं। तो आइए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के हालात। कैंप लगा के लोग यहीं रह रहे हैं और रात का सामान भी यहीं पे है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी को रेस्क्यू कर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है उनको, मतलब कवर कर रहे हैं, और उसके बाद मेडिकल टीम उनको ले जाएगी यहाँ से हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, किसी को निकाल लिया है और उसको चारों तरफ से कवर कर लिया, और उसको कपड़े पहना के डायरेक्ट मतलब हॉस्पिटल ले जाएंगे, क्योंकि वो अभी ज़िंदा हैं। और आप यहाँ तबाही देख सकते हो, किस तरह की तबाही मची है पूरे में। और उसे उन्हें इस तरह इसलिए कवर करते हैं क्योंकि काफ़ी घायल होते हैं ना, तो ऐसा देखने में काफ़ी वो होता है, तो मतलब आप समझ सकते हैं, तो आप समझ सकते हो कि जब पूरे चोट वोट दिखेगी तो कैसा लगेगा, इसलिए कवर रखते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी, कैसे एक शख्स की बॉडी को निकाला है अंदर से, और अभी तो बहुत सारे जो हैं दबे भी हैं और शायद कुछ ज़िंदा भी हों, तो निकाला जा रहा है लोगों को अभी भी। तो यहाँ से भी एक डेथ बॉडी निकाली है बस, और आगे अब चले गए, यहाँ पे काम चल रहा है। ये देखिए बिल्डिंग्स को देखिए, जो बिल्डिंग गिरने की तादाद में ना, उनको गिरा भी दे रहे हैं आने के टाइम पे, वो गिरे ना और किसी के लिए मुसीबत ना बने। सो फ्रेंड्स, एनडीआरएफ टीम को अभी एक लाइफ के बारे में पता चला है, कोई अभी ज़िंदा है और दबा हुआ है, तो उसको बचाने के लिए सब जा रहे हैं अभी। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एनडीआरएफ की टीम है, और मेरे पीछे भी आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं, आगे जो भी टीम है वो इंडिया की है, और ऊपर लाइफ बची है, वो पानी ले जा रहे हैं। तो इंडियन टीम लगी पड़ी है पूरी, तो अपने इंडियन टीम इस मशीन को ऑन करके और जो सरिया वो काटेंगे और लाइफ को निकालेंगे जो बची हुई है अभी। ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले गए ऊपर अब। बनाई जा रही है उसे एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी एनडीआरएफ टीम ने, हमारे इंडियन टीम ने अभी एक और लाइफ बचाई है, और आप लोगों ने जैसे कि देखा, उन्हें हॉस्पिटल सही सलामत पहुंचा दिया गया है। तो एक और लाइफ एनडीआरएफ टीम ने बचा ली है, और सब लोग सेलिब्रेशन, मतलब सेलिब्रेशन नहीं, और फिर से काम पर लग गए दोबारा सर, और जल्दी से कोशिश कर रहे हैं अगर और लाइफ है तो उसे भी बचाई जा सके। सो फ्रेंड्स, यकीन नहीं करोगे, मैं इंडियन आर्मी के बस की बस जो प्लेन में आई है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे वो डॉग्स हैं
जिन्होंने लाइफ बचाई हैं, ये देखिए रेस्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, मैं एनडीआरएफ की टीम के साथ उनके बस में भी था और बस में हमने बातचीत करी। उनसे बातचीत करने के बाद मुझे एक नई चीज़ पता चली। उन्होंने बताया कि जिस दिन भूकंप आता है, अगर उस दिन जो लोग फंसे हैं अगर उनको बचा लिया जाता है, तो 24 घंटे में जो लाइफ बचती हैं वो होती हैं मेन लाइफ जो बच जाती हैं। उसके बाद मतलब उनकी बचने का चांसेस 80% तक होता है जब वो 24 घंटे के अंदर बचा ली जाती हैं। और अगर 2-3 दिन लगते हैं, मतलब अगर दूसरा दिन है तो 70% तक आ जाता है, 60-70% तक। और जब तीसरा दिन होता है तो 40-30% होता है, और जब चौथा दिन होता है तो 10% तक ही बच पाते हैं और उसके अलावा फिर डेथ हो जाती है। तो उनसे ये बात नहीं, मुझे ये पता चली कि इन लोगों ने जो मतलब इंडियन आर्मी ने दूसरे दिन से ही बचाना शुरू कर दिया, मतलब 70-80% से लेके, और आज भी लगातार आपके सामने एक नई जान बचाई। और आप लोगों ने जैसे कि देखा, इंडियन आर्मी ने मतलब एनडीआरएफ की टीम ने एक जान बचाई। उनके सामने सब मतलब ताली बजा रहे थे और खुशी हो रही थी सबको कि एक और लाइफ बचाई, और देसी बचाई, दोबारा से काम में लग गई और दोबारा से एक और लाइफ बचाने की कोशिश करने लगे। तो यहाँ आप देख सकते हो हर कंट्री का यहाँ पर टेंट लगा है, और जिस कंट्री का भी है उस कंट्री के टैंक के आगे ऐसे आप फ्लैग देख सकते हो, फ्लैग लगे। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ टेंट लगे हैं सारे। और मैं अभी वापस जा रहा हूँ उस साइड जहाँ पे लाइफ बचाई गई थी, वहाँ चलते हैं। तो आइए चलते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा, पूरा मैंने आपको ये एरिया दिखाया, ये एरिया में किस तरह की तबाही मची है। और अब क्या होगा मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी घर हैं, सबको गिरा दिया जाएगा, मतलब TNT लगा के सबको, जब सारी लाइफ्स को निकाल लिया जाएगा, सारी बॉडीज़ को निकाल लिया जाएगा, सारी बिल्डिंग्स को TNT लगा के उड़ा दिया जाएगा और इस जगह को ख़त्म कर दिया जाएगा, यहाँ पर सारे बिल्डिंग्स को। तो मैं अब जाऊँगा कल इस, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर चीज़ें और आपको बता भी दिया कि यहाँ क्या होगा और क्या क्या बदलाव मतलब होने वाला है आगे। जैसे कि आप लोगों ने इस व्लॉग में देखा, NDRF टीम ने एक और लाइफ बचाई और यहाँ की तबाही वगैरह मैंने आपको दिखाई। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा इन व्लॉग्स में कि NDRF टीम ने कैसे कैसे और यहाँ पे क्या हालात हैं, हर चीज़ तो तबाह हो गई है, बिल्डिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं बचा, और यहाँ पर हर जगह लाइफ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कॉमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।